हाउ आर यू? इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ नाउन. ओके, द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोनाउन, इट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच. टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. लेट्स सी फर्स्ट द डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन. मैंने आपको पहले भी प्रोनाउन के डिफिनीशन के बारे में बताया है. ओके, प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used to in place of noun. Okay student, example, he, she, it, they, I, we, you, this, that, these, those, someone, nobody, etc. These are the pronoun. ये सभी क्या है? Pronoun word है जो किसी noun के place पर use किए जाते हैं. Okay student, types of pronoun. Types of pronoun. There are ten types of pronoun. कितने types के pronoun होते हैं? Ten types. Today I am going to tell you about the first types of pronoun, that is personal pronoun. First pronoun is the personal pronoun. What is personal pronoun? It is used while referring to a person or group. ओके स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इट इज यूज्ड व्हाइल रेफरिंग टू ए पर्सन आर ग्रुप. अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू. दीज आर द पर्सनल प्रोनाउन. इट इज क्लियर? And again, personal pronoun is divided into three parts. कितने parts में divide है personal pronoun? Three parts में divide है. First person, second person, third person. पर्सनल प्रोनाउन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तीन पर्सन में डिवाइड किया है. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब यहां पर जो प्रोनाउन राइट किए गए हैं इन्हीं को हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन यूज करेंगे. फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? आई, वी, ये दो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आएंगे. सेकेंड पर्सन में यू. सेकेंड पर्सन में क्या होगा? यू होगा. थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे. ये चार जो है थर्ड पर्सन में आते हैं. ओके स्टूडेंट, पहले हमने यहां पर क्या राइट किया? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. टेन टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जिसमें फर्स्ट प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है. एंड पर्सनल प्रोनाउन के थ्री पार्ट्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन में आई, वी, इट मींस जो स्पीकर है वो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन में यू, मींस जो सामने वाला लिसनर है वो क्या हो जाएगा? सेकंड पर्सन.
एंड थर्ड पर्सन ही सी इट दे, ये तीनों क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं जिसमें आपके लिसनर एंड स्पीकर दोनों अवेलेबल होते हैं. ओके स्टूडेंट, दीज आर द टूडे फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. आज हमने किसके बारे में पढ़ा? पर्सनल प्रोनाउन एंड इसके कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन. ओके, थैंक यू.